लास्ट टाइम जो हमने रिग्रेशन ट्राई की थी वो थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमने क्या किया था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल था, ठीक है। अब यही काम हम एक और सिचुएशन में भी कर सकते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो, यानी इससे हम कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। मल्टीपल का मतलब होगा कि आपके पास जो एक्स वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं। पहले हम इस डेटा को थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या हम इस पर मल्टीपल रिग्रेशन कर सकते हैं, क्या हम इस पर कोरिलेशन कर सकते हैं। तो इसका जो पहला वेरिएबल है वो है मैन्युफैक्चरर का। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो एनालिसिस में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। मॉडल भी एज सच यूज़ नहीं हो सकता, अगर मॉडल यूज़ करना भी चाहें तो मैन्युफैक्चरर और मॉडल अगर हम यूज़ करना चाहें तो ये किसी कंपैरिजन के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वगैरह, या फिर हम जैसे लास्ट टाइम किया था डेटा को स्प्लिट किया था ग्रुप वाइज, हमने अलग-अलग किया था, उस फॉर्म में हम उसे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इसे स्टैटिस्टिकल वेरिएबल डायरेक्टली कहें तो ये उस तरह से डायरेक्टली वेरिएबल नहीं बनते, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म में कोई ऐसा ग्रुप अगर ये बनता हो जैसे मॉडल ग्रुप बनता है तो उस सूरत में हम कोई बिटवीन मॉडल जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा जो है स्टैटिस्टिकल वेरिएबल नहीं होगा। इसके बाद है सेल्स इन थाउजेंड्स है, यानी पर्टिकुलर जो व्हीकल है कार है वो कितने की सेल हुई, इसकी इसी तरह से उसकी रीसेल वैल्यू है, फोर ईयर रीसेल वैल्यू है, व्हीकल की टाइप है, टाइप जो आपके पास ये देखें कि वो ऑटोमेटिक है या ट्रक है, इस तरह से उसने उसकी टाइप डिफाइन की हुई है। प्राइस इन थाउजेंड्स है, ये सेल इन थाउजेंड थी कि कितने नंबर ऑफ थाउजेंड जो वो सेल हुए, और ये उसकी प्राइस है, ये उसका इंजन साइज है, हॉर्स पावर है, व्हील बेस है, विड्थ है, लेंथ है, क्यूब वेट है, सॉरी कर्ब वेट है, फ्यूल कैपेसिटी है, फ्यूल एफिशिएंसी है, लॉग ट्रांसफॉर्म सेल है, और ये जो ऊपर वाले वेरिएबल्स हैं उनको जी स्कोर वगैरह ये लॉग लेकर ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, यानी लीनियर मॉडल की बजाय कोई और मॉडल फाइंड किया गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहें और बाकी हमारे इंडिपेंडेंट बन जाए। कोई ऐसा वेरिएबल नज़र आ रहा है आपको? कौन सा? नहीं, मुझे समझ नहीं आया कौन सा कह रही हैं। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर या फ्यूल एफिशिएंसी देख। इंजन साइज डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और यानी वैसे हमें यानी इसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फाइंड करने के लिए वेरिएबल्स की प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इस वक्त हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो गाड़ी की हॉर्स पावर है वो डिपेंड करती है कि इंजन का साइज़ क्या है, ठीक है। इसी तरह से गाड़ी की विड्थ क्या है, गाड़ी की लेंथ क्या है, उसकी जो कर्व है उसका वेट क्या है, फ्यूल कैपेसिटी क्या है, और यानी इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं ये हम बड़ी आसानी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का वेट, हाइट, विड्थ, लेंथ वगैरह चेंज होने से भी उसकी हॉर्स पावर में पॉसिबल चेंज आ सकती है। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा जहन में रखते हुए रिग्रेशन एनालिसिस रन करें तो एनालाइज, रिग्रेशन, और अगेन हम लीनियर रिग्रेशन पे ही जाएंगे। यानी इसी बॉक्स से हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन किया था और अब हम मल्टीपल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बल्कि एक और काम कर लेते हैं, हम कोरिलेट में चले जाते हैं, बाईवेरिएट। अब जो वेरिएबल हमने सपोज किए हैं उन तमाम वेरिएबल को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। हॉर्स पावर है, इंजन साइज है, व्हील बेस है, विड्थ है, लेंथ है, और ये सारे वेरिएबल हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। स्टैटिस्टिकली भी हमने इनकी प्रॉपर्टीज चेक नहीं की, वेरिएबल्स को नहीं चेक किया कि ये नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है, ये इसमें आउटलायर है या नहीं है, ये हमें वैसे फाइंड करने चाहिए, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सपोज
हमें कोई आइडिया नहीं है, हमने जस्ट एक कोरिलेशन एनालाइज करना है या रिग्रेशन करना है, तो हमने उन अजम्पशंस को चेक किए बगैर डायरेक्टली एनालिसिस परफॉर्म कर लिया। ओके करते हैं। अब ये देखें कि कोरिलेशन जो है वो आपके पास थोड़ा डिफरेंस आ गया। पहले आपके पास छोटा बॉक्स था और इस वक्त एक बड़ा बॉक्स आ रहा है, इसे हम कोरिलेशन मैट्रिक्स कहेंगे। कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स से क्या मुराद है, इसे समझने के लिए ना हम इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर देते हैं वर्ड में कॉपी कर कर, ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैंने इसे कॉपी किया और वर्ड में हम इसे पेस्ट कर देते हैं। इसमें अगर आप देखें हॉर्स पावर और इंजन साइज में रिलेशनशिप आ रहा है 0.837। हॉर्स पावर और अगेन इंजन साइज या इंजन साइज और हॉर्स पावर में 0.837 आ रहा है, यानी जो कोरिलेशन वैल्यू यहाँ पर है एग्जैक्टली वो यहाँ पर है, 0.42, 0.42, 0.69, 0.69। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो वन नज़र आ रहा है, मैं इससे ये जो आपको वन डायगनल में नज़र आ रहा है, इससे ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ या इससे नीचे वाली सारी वैल्यूज़ आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पहली रो है ये वाली सारी इंफॉर्मेशन ये सब की सब जो है इस कॉलम में आ रही है। सेकंड रो की जो इंफॉर्मेशन है ये वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये यहाँ पर आ रही है, सेकेंड कॉलम में आ रही है। तो आप या तो रो डिलीट कर दें या कॉलम डिलीट कर दें। तो मैं समझाने के लिए दो काम कर रहा हूँ, एक तो मुझे ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए, ये पहली रो जो है वो सिग्निफिकेंस की है और सेकंड जो इसमें बनती है सिलेक्टेड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, यानी आपने 156 व्हीकल्स जो हैं वो स्टडी की और ये उनकी पी वैल्यूज़ है कि रिलेशनशिप जो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इस वजह से ज़रूरत नहीं है कि कोरिलेशन की वैल्यूज़ के साथ स्टार बने हुए हैं और इन स्टार की जो डेफिनेशन है वो बॉटम पे दी हुई है कि डबल स्टार का मतलब है कि 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे टेस्टिंग की गई है और कोरिलेशन सिग्निफिकेंट आ रहा है, यानी जिन भी कोरिलेशन वैल्यूज के साथ सिंगल स्टार या डबल स्टार आ रहा है वो दोनों वेरिएबल्स के दरमियान सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो अब इस चीज़ के लिए पहले तो मैं रो डिलीट कर देता हूँ, मैंने रो सेलेक्ट की, डिलीट सेल्स, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब आप अपनी रिपोर्ट तैयार करें तो ये डुप्लीकेट जब आप डिलीट करें तो आपको पता हो कि कैसे डिलीट किया जाता है, प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके भी दे रहा हूँ। तो हमने इसे ओके किया, तो ये देखें पहले केस की जो रोज़ हैं वो डिलीट हो गई हैं। इस तरह से सेकंड केस में आप करेंगे डिलीट सेल्स और रोज़ ले लें, वरना आप चाहें तो शॉर्टकट की भी याद कर सकते हैं, मैंने कभी याद नहीं किया रो डिलीट करने का, तो शॉर्टकट कम्बिनेशन भी मिल जाते हैं, आप वो शॉर्टकट कम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो रोज डिलीट हो जाएंगी जो भी आपने सेलेक्ट की होंगी। तो अब ये देखें कि आपका टेबल जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है, तो आज कम क्यों आए आप लोग। अच्छा, अब मैं इस कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी रो में आ रही है, ये कॉलम भी रो सेकंड रो में आ रहे हैं, ये यानी ये वाली रो अगर आप चेक करेंगे, इसी तरह से ये जो थर्ड आपके पास है थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ और ये फिफ्थ और ये लास्ट वन, आप चाहें तो ये सब पूरी रो भी डिलीट कर सकते हैं। और पेयरसन कोरिलेशन हमें डिलीट करना है तो ये भी हम कर सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल वे हो सकते हैं, मैं कोरिलेशन भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर कर और इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब ये हमें क्या शो करता है, वैसे अगर हम देखें तो तमाम वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट ही है, कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ना हो, ठीक है।
सबसे ज्यादा रिलेशनशिप किस में आता है? कर्ब वेट में और फ्यूल कैपेसिटी में, ठीक है, 0.864। उसके बाद जो है वो हॉर्स पावर और इंजन साइज में आ रहे हैं। उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल कर्व वेट और इंजन साइज में होगा। इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, और ये तमाम के तमाम पॉजिटिव है, यानी आपस में ये तमाम वेरिएबल पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, ठीक है। अच्छा, आप अगर आप एक और काम करना चाहें यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। मैं ग्राफ में जाता हूँ और लेगेसी ग्राफ यहाँ पर होगा स्कैटर और डॉट सेकंड लास्ट, इसे मैंने क्लिक किया। और मुझे सिंपल स्कैटर चाहिए था, इसे मैंने डिफाइन किया, यानी क्लिक किया और डिफाइन किया। अच्छा, सिंपल स्कैटर में एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, यानी एक एक्स और एक वाई वेरिएबल। मैं इसे और तरह से चाहता हूँ, दोबारा देखते हैं कोई और है इसमें ऐसा। स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स स्कैटर हम इसे यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स स्कैटर को डिफाइन करेंगे। मैट्रिक्स वेरिएबल में जितने भी मुझे यूज़ करने हैं, मुझे यूज़ करने हैं इंजन साइज से लेकर और फ्यूल कैपेसिटी तक, ये सारे के सारे मैट्रिक्स वेरिएबल मैंने बना दिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो सेट मार्कर्स बाय लेबल केसेस बाय ये भी आप करना चाहें। मैं सपोज करता हूँ सेट मार्कर बाय ऐड कर देता हूँ, अभी आपको आइडिया हो जाएगा इसे क्या बना रहे हैं, और ओके कर देता हूँ। जी, ये डायग्राम आपके पास ड्रॉ होगी, ये वेरिएबल्स के दरमियान इसे हम क्या कहेंगे, जिस तरह से हमने कोरिलेशन वाले बॉक्स को कहा था, टेबल को कहा था कोरिलेशन मैट्रिक्स, ऐसे ये स्कैटर डायग्राम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स स्कैटर डायग्राम आप कह लें कि हर वेरिएबल्स के दरमियान एक स्कैटर डायग्राम रहा है। इंजन साइज और ये वाला कौन सा है, हॉर्स पावर, उसके दरमियान आपके पास ये ग्राफ ड्रा होगा। यानी अगर आपने दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप ड्रा करना है तो आपके दरमियान आपको सिर्फ ये वाला ग्राफ मिलेगा। अब देखने में ये बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको इस छोटे से ग्राफ से बाद में काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि ट्रेंड किस किस्म का चल रहा है। जैसे अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें आउटलेयर जो वो आपको मिल रहे हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे भी ऐसे केसेस हो सकते हैं। इसके जो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं वो कलर इसलिए आ रहे हैं, सेट मार्कर बाय लिया था, मैन्युफैक्चरर मैंने चूज़ किया था, तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक कर कर जो है ग्राफ यहाँ पर आपके पास एडिटिंग मोड में आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए, मैं अगर किसी को सेलेक्ट करूँगा तो वो थोड़ा सा हाईलाइट सा हो जाएगा, उसमें छोटी मोटी एडिटिंग हो सकती है। इस वक्त एक तरह से थोड़ा हैवी ग्राफ है तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये देखें कुछ चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं यहाँ पर तमाम। अगर मैं किसी स्पेसिफिक को सेलेक्ट करूँगा, सपोज इसे करता हूँ, तो अब इसमें ज़्यादातर वो केसेस सिलेक्ट हुए हैं जो इससे रिलेटेड थे, बाकी सारे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, पहले की तरह हाईलाइट नहीं है, सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी, ये देखिए ये डॉज का जो है सिलेक्टेड है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सारे डॉज के केसेस सिलेक्टेड हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस मैन्युफैक्चरर की गाड़ी में क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। इस तरह से किसी और को सिलेक्ट करेंगे वो आपके पास आ जाएगा। तो अगर हम कलर प्रेफरेंस चूज़ ना करते, यानी ये सेट मार्कर बाय ना लेते, तो उस सूरत में आपके पास ये सारा का सारा ब्लैक आता है, देखिए ऐसे आता है। अब हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी किस मैन्युफैक्चर की है, उसमें हम कुछ हद तक आइडेंटिफाई कर सकते थे। या अगर हम चाहें तो इसे स्प्लिट वगैरह भी कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ, यहीं से आपको आइडिया दे देता हूँ। मैन्युफैक्चरर काफ़ी ज़्यादा हैं, हम व्हीकल टाइप बेस पे कर लेते हैं, थोड़ा सा समझाना आसान हो जाएगा। मैं इसे कहता हूँ पैनल बाय रो कर लें या कॉलम कर लें। अब आपके पास दो स्कैटर डायग्राम्स आएंगे, एक ट्रक की और एक ऑटोमेटिक की। देखें ये दो पैनल बन गए, एक आपके पास ये ट्रक का आ रहा है और ये आपके पास ऑटोमेटिक का आ रहा है।
अब आप दोनों को स्प्लिट कर रहे हैं एक तरह से, और दोनों को अलग अलग स्कैटर डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, और वो इसलिए ड्रा कर रहे हैं कि ताकि आप वन बाई वन कंपेरिजन कर लें कि जो भी स्टेटिस्टिकल अजम्पशंस हैं वो फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही। वो कि इतने से बारीक डायग्राम में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको एक ओवरऑल आइडिया ज़रूर हो जाता है कि आप वेरिएबल्स के दरमियान डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप और स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप किस तरह से है, वो लीनियर है या नहीं है या स्कैटरनेस बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ नोट करें, जिन वेरिएबल में रिलेशनशिप ज़्यादा होगा वो आपस में इस तरह के फॉर्मेट में ज़्यादा होंगे, जिनमें रिलेशनशिप कम होगा उनमें क्लस्टरिंग इस तरह से होगी। यानी आपको बेसिकली यहाँ पर इन डॉट से क्या है आइडिया हो रहा है कि वेरिएबल्स का डाटा आपस में किस तरह से स्कैटर कर रहा है, किस तरह से क्लस्टर कर रहा है। जितना ज़्यादा वो एक दूसरे से दूर होंगे उतना ही वीक रिलेशनशिप होगा, और जितना एक दूसरे से ये डॉट जाए एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में करीब होते जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता जाएगा। अब ये मैंने क्यों किया, हालांकि हमें मल्टीपल रिग्रेशन करना था, हमने मैट्रिक्स की तरफ क्यों गए, वो बेसिकली एक आइडिया हमने लेना था कि अगर ये आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड होते, अगर ये वेरिएबल आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड होते तो फिर हम आसानी से मल्टीपल की तरफ जा सकते थे। और अब इसमें काफ़ी सारे वेरिएबल यूँ समझ लें कि मॉडरेटली भी रिलेटेड, यानी 0.5 से भी ज़्यादा रिलेशनशिप है और 0.8 से ज़्यादा भी है, कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करते हैं, मॉडरेट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ बड़ी आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इस डाटा को किसी फॉर्म पे स्प्लिट करके अलग-अलग एनालाइज भी कर सकते हैं, जैसे ट्रक के डाटा को अलग से एनालाइज कर लें और ऑटोमेटिक के डाटा को अलग से एनालाइज कर लें, या अगर हमारे पास चंद एक मैन्युफैक्चरर्स होते या हम मैन्युफैक्चरर वाइज जो है वो उसे अलग एनालाइज करना चाहें तो वो भी बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो हमने यहाँ से ये आइडिया ले लिया कि वेरिएबल आपस में रिलेटेड हैं, रिग्रेशन मॉडल जो वो कंडक्ट किया जा सकते हैं। अब हम रिग्रेशन की तरफ जाएंगे, रिग्रेशन लीनियर। अभी हमारी अजम्पशन यही है कि इनमें लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडेंट जो हमने सपोज किया है वो हाफ पावर सपोज किया है, और बाकी वेरिएबल्स के बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो हाफ पावर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रहे और हमने इसे जस्ट ओके प्रेस कर दिया। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। ये समरी है कि आपने वेरिएबल कौन कौन से एज ए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए, ये मॉडल की मल्टीपल कोरिलेशन है, और ये कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यानी आर स्केयर की वैल्यू है 0.716। 0.716 क्या रिप्रेजेंट करता है? नहीं आपने, कोई और रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ जी, आप दोनों में से भी करें। 0.716 क्या शो करता है? आर स्केयर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आपने पढ़ा होगा? हाँ जी। नहीं आता? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एक्सप्लेन वेरिएशन भी कहा जाता है इसे। हाँ जी जी नहीं लास्ट। हाँ जी आप। नहीं आता बताना चाह रहे बैठ के? हाँ जी आप। प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन किस चीज़ की? 0.716 को अगर हमने किसी को समझाना तो कैसे समझाएंगे? एक मिनट। हाँ जी, ये प्रोपोर्शनल वेरिएशन है एक्सप्लेन डिपेंडेंट वेरिएबल में ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट को कितना एक्सप्लेन किया। तो 0.716 क्या बता रहा है आपको? हाँ जी बता, कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाँ जी, यानी अगर हम ये कहें 0.716 का मतलब ये है कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उन्होंने डिपेंडेंट को अब कितना एक्सप्लेन किया, 71.6%। यानी अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 71.6 बन जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि 100% अगर एक्सप्लेनेशन हमारे पास हो उसमें से, यानी आइडियली हमें चाहिए 100% एक्सप्लेन वेरिएशन के वाई के बारे में हमें 100% इंफॉर्मेशन पता चल जाए, लेकिन जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं
वो वाई के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 71.6% इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कितने परसेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, 28.4% इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि और बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं जो हार्स पावर को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमने वो मॉडल का हिस्सा नहीं बनाया या हमारे पास उसका डाटा अवेलेबल नहीं था, या हमें ही आइडिया नहीं था कि हार्स पावर को फ्लां वेरिएबल भी एक्सप्लेन करता है। यानी बहुत सारे पॉसिबल वेरिएबल्स थे, हमने कितने वेरिएबल यूज़ किए, हमने 6 वेरिएबल यूज़ किए हैं। ये 6 वेरिएबल हॉर्स पावर को 71.6%, चले आसानी के लिए हम कहते हैं 72% एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए ताकि मैं पॉइंट्स बार बार बोलना ना पड़े। तो ये 6 वेरिएबल हॉर्स पावर के बारे में आपको 72% इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास डेटा में अगर आप इनकी डिफरेंट वैल्यूज, यानी आप कार परचेज करने गए, आपने डिफरेंट ये जो इंफॉर्मेशन है आपने इंजन साइज उसमें पुट कर दिया, व्हील बेस पुट कर दी, विड्थ लेंथ क्यूब वेट और फ्यूल कैपेसिटी वगैरह आपने अपने मॉडल में पुट की, मॉडल को सोल्व किया, वाई की वैल्यू आ गई, तो वो जो वाई की वैल्यू आपके पास हॉर्स पावर आएगी वो 100 में से तकरीबन 72 टाइम जो है वो ठीक होगी। यानी हम इसे एक और तरह से भी कह सकते हैं कि जब आप रियल लाइफ में इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका मॉडल 72 टाइम करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा, 28 टाइम आपको एक तरह से रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा। अब ये वो चीज़ है जो आप मेरे हिसाब से थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना शुरू करते हैं कोरिलेशन के बारे में, और बार बार आप पढ़ रहे हैं उसके बावजूद जो है ना कोफिशिएंट और डिटरमिनेशन जो है ना उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं होती। आर स्केयर हो गया, एडजस्टेड आर स्केयर में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एडजस्ट करते हैं उनके बेस पे, या आमतौर पर जो है वो आर स्केयर से स्मॉलर ही होते हैं। ओनोवा के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ओनोवा के रिजल्ट इस वक्त सिग्निफिकेंट हैं। ये रिजल्ट क्या शो करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में से हमने डिस्कस किया था ना, उस वक्त मैंने इसे इंटरप्रेट किया था, तो अब ये क्या शो करते हैं, ऊंचा बोले नहीं, हाँ जी नहीं, आप इनसे आगे आप नवा के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, 0.05 से छोटी वैल्यू है, रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ गए। इस सिग्निफिकेंट रिजल्ट का क्या मतलब है, हाँ जी आप, हाँ जी जी थोड़ा सा क्लियर बोला करें, एक्यूरेट वैल्यू नहीं, एक्यूरेट का तो यानी पूरे मॉडल में आपने जो 6 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यूज किए हैं उनमें कम से कम एक या एक से ज्यादा वेरिएबल ऐसा है जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के सिग्निफिकेंट होने का मतलब इस जो ये जो आउटकम आई है, इस आउटकम में जो ओनोवा टेबल बना है इसमें अगर आप देखें तो आपके पास मॉडल लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये रिग्रेशन वेरिएशन है, ये आपके पास रेजिडुअल यानी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, ये रेजिडुअल वेरिएशन है, और ये टोटल वेरिएशन है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस उस तरह की सोर्स ऑफ वेरिएशन में नहीं आया जिस तरह से आपने डिजाइन में पढ़ा होगा, बिटवीन विद इन या ट्रीटमेंट एरर, और उस तरह से नहीं है। अब ये आपके पास मॉडल की फॉर्म में है, टेक्निक वही है, मेथड वही है, उसी तरह से उसे किया हुआ है, लेकिन ये रिजल्ट क्या शो करते हैं कि आपने मॉडल में जितने भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यूज किए हैं उनमें से कम एक या एक से ज्यादा वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर रहे हैं वाई वेरिएबल पर। अगर ये आपके पास सिग्निफिकेंट आता है, अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल सिग्निफिकेंट नहीं है, मॉडल में एक भी वेरिएबल वाई पे सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट नहीं करता, यानी आपका मॉडल यू समझ ले कि ठीक नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट, कोई कन्फ्यूजन? और ये मैंने लास्ट टाइम शायद टेबल से भी आपको बताई थी, अब ये हमारे पास टेबल आ गया। पहला जो आपके पास रो है ये कांस्टेंट मैन मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है, बीटा नॉट की वैल्यू है,
या अल्फा की वैल्यू अगर आपने ए बी अल्फा नॉट और अल्फा वन यूज़ किया, ये आपके पास बीटा नॉट है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। सेकेंड है आपके पास इंजन साइज, इंजन साइज की जो पी वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये है कि इंजन साइज का हॉर्स पावर पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। इसी तरह से जो व्हील बेस है इसका भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, क्योंकि ये भी 0.05 से छोटी वैल्यू है। लेकिन इसके बाद जो विड्थ है, हमें वैसे आइडिया नहीं है कि विड्थ एक्चुअली है क्या, ये इंजन विड्थ थी, व्हील व्हीकल की विड्थ थी या किसी और चीज़ की विड्थ थी। हमने अपने जहन में ये आइडिया लिया कि शायद ये इंजन विड्थ है या फिर ये गाड़ी की विड्थ है और इसका इम्पैक्ट हॉर्स पावर पर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि गिवन डाटा के मुताबिक इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं रखती, क्योंकि इसके जो पी वैल्यू है वो 0.05 से बहुत बड़ी है, और वैसे भी देखें तो टी वैल्यू बहुत स्मॉल है इसकी। यानी अगर आप इसे एक लम्हे के लिए जी वैल्यू भी समझ लें तो कैलकुलेटेड जी वैल्यू 95 पे 1.96 बननी चाहिए टू टेल की फॉर्म में, और कैलकुलेटेड आपके पास 1.01 आ रही है। तो अगर आप यानी इसे जी के पैरामीटर पर भी सेव करें तो तब भी ये नॉन सिग्निफिकेंट ही बनती है, और वैसे भी ये यानी काफ़ी ज़्यादा लेवल पर जाकर सिग्निफिकेंट बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मॉडल पर विड्थ का यानी मॉडल कह रहा हूँ हॉर्स पावर पर, गाड़ी की हॉर्स पावर पर इस डाटा के मुताबिक विड्थ का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। और अगर इम्पैक्ट है भी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं, ये इम्पैक्ट कोई यूजफुल मीनिंग नहीं रखता, इम्पोर्टेंट मीनिंग नहीं रखता। इसके बाद लेंथ भी नॉन सिग्निफिकेंट है, कर्व वेट भी नॉन सिग्निफिकेंट है, और इवन फ्यूल कैपेसिटी भी नॉन सिग्निफिकेंट है। और ये देख लें कि इस पूरे मॉडल में दो वेरिएबल हैं जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट रखते हैं। अब मैं इस आउटपुट को थोड़ा अपडेट करने जा रहा हूँ, मैं इन दो वेरिएबल को रहने देता हूँ और बाकियों को शिफ्ट कर देता हूँ। जो नॉन सिग्निफिकेंट थे उन्हें मैंने मॉडल से निकाल दिया, सिर्फ सिग्निफिकेंट रहने दिए, ओके किया। अब देखें सेकेंड रिग्रेशन मॉडल में आपके पास आर स्क्वायर कितना आ रहा है, अगेन वही आ रहा है। आर स्केयर में शायद मेरे को फर्क पड़े, नहीं आर स्केयर भी वही आ रहा है आपके पास, देख लें। यानी जो वैसे आमतौर पर कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन इसमें चूंकि हाई लेवल पे नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट थे तो इसलिए ना ही आर स्केयर पे इफेक्ट आया, ना ही कैपिटल आर पे यानी को मल्टीपल कोरिलेशन पे इफेक्ट आया, और ना ही बाकी चीज़ों पर। हाँ, इंटरसेप्ट हमारे पास चेंज हो गया, और जो स्लोप्स हैं 46 और 1.54, तो स्लोप्स पे भी चेंज आ गया, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस में आपके पास एक चेंज आ रही थी। तो ओवरऑल आपके पास जो मॉडल की गुडनेस थी वो 71.6 वो वैसे की वैसे ही रह रही है, या फिर माइनस ही डिक्रीज हो जाएगी। जब सिग्निफिकेंट होंगे फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल हम एक और वेरिएबल निकाल लेते हैं, अब देखें 0.701 काफ़ी फर्क पड़ गया। लेकिन अगर हम पहले वाले वेरिएबल को निकाल दें और सेकंड को लें, फिर देखते क्या है। इंजन साइज व्हील बेस हमने निकाला था, इंजन साइज अगर हम निकालते हैं तो देखें आर स्केयर कितना कम हो गया। तो हम यानी डिफरेंट उससे देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो किस तरह से इम्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आर स्केयर आ गया, मॉडल सिग्निफिकेंट आ गया, और ये उनकी कोफिशियंट की रेट ऑफ चेंज आ गई। कोई एक्सप्लेन करेगा इंजन साइज के जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इस टेबल को जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है कोफिशियंट वाले टेबल को, इसे अगर इंटरप्रेट करना हो तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, स्लोप कोफिशियंट्स कैसे इंटरप्रेट करेंगे? लास्ट टाइम भी हमने वैसे डिस्कस किया था, मेरे ख्याल में स्लोप डिस्कस किया था। अब इसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा पहले। हाँ जी, अगर नहीं वो कांस्टेंट छोड़ दें, अभी इंजन साइज और व्हील बेस बताएं जरा, स्लोप बीटा वन और बीटा टू। देखें
मैं अगर इस रिग्रेशन मॉडल को लिखता हूँ, यानी इक्वेशन फाइंड करके इसे टाइप करता हूँ, अपनी रिपोर्ट भी टाइप करता हूँ, तो ये बेसिकली इस तरह से लिखा जाएगा। हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1.4, सॉरी 147.738 प्लस 49.045 इंजन साइज और माइनस 1.041 व्हील बेस। या फिर अगर मैं इसे और तरह से लिखना चाहूँ तो ये इस तरह से लिखा जाता है 147.738 प्लस 49.045 X1 माइनस 1.041 X2। कितनी? नहीं, ये परसेंटेज में तो नहीं है हमारे पास, साइज हमें दिया हुआ है ना डेटा में, इंजन साइज। इंजन साइज किस फॉर्म में? इंजन साइज। अच्छा, उसने नहीं बताया हुआ, लेकिन साधर उसका सेंटीमीटर में, इंचेस में, फिट में किसी तरह से मेजर किया होगा ना, तो परसेंटेज में तो डेटा नहीं। अगर एनी अदर, आप लोग 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ये थोड़ा जहन में रखा करें। यानी इस वक्त तक आप स्टेटिस्टिक्स के एक तरह से एक्सपर्ट बनते हैं, और जो बेसिक नॉलेज है वो आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए। ये इस वक्त मल्टीपल रिग्रेशन है हमारे पास, एक से ज़्यादा एक्स वेरिएबल हैं। जब हम इसे इंटरप्रेट करेंगे तो इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ इंजन साइज को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बाय कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट, कि तमाम वेरिएबल यानी इंजन साइज के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर उसे कांस्टेंट कर दिया जाए या उन्हें ज़ीरो कर दिया जाए, देन इंजन साइज का जो हॉर्स पावर पे इम्पेक्ट है वो 49.045 है। X1 के अलावा बाकी जितने भी एक्स वेरिएबल्स हैं उन तमाम को हमने कांस्टेंट या ज़ीरो ज्यूम करने हैं। यानी ये नहीं कि X1 में चेंज लाने से Y में जो चेंज आएगी, अगर हमारा मॉडल सिर्फ इतना होता, सिर्फ इतना मॉडल होता, बाकी पार्ट ना होता, देन हम ये कह सकते थे कि X1 में 1 यूनिट चेंज लाने से Y में जो चेंज आएगी वो इसकी 49.045 जो वैल्यू है वो स्लोप कहलाएगी, और ये भी ऑन एवरेज होगा। लेकिन अब ये हमारे पास सिंपल मॉडल नहीं है, ये मल्टीपल में आ गया, एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं। हमने X2 को इंटरप्रेट करना होगा तो हम ये कहेंगे कि X1 को ज़ीरो ज्यूम करें, X1 को कांस्टेंट रखते हुए Y में जो चेंज आएगी वो नेगेटिव चेंज आएगी, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। यानी अगर हम X2 में 1 यूनिट चेंज लाते हैं बाय कीपिंग X1 कांस्टेंट, देन Y में कितनी यूनिट चेंज होगी? 1.041 की चेंज होगी, और ये चेंज कौन सी होगी? डिक्रीजिंग चेंज होगी। यानी एक्स आपने इंक्रीज किया तो अब वाई डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव आया है। इसका स्लोप पॉजिटिव था तो इसका मतलब है कि X1 में इंक्रीज करने से Y में भी इंक्रीज होगी। ये इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है। एक्सप्लोर करके देखेंगे इन वेरिएबल्स को। फॉर एग्जांपल इंजन साइज है, या हॉर्स पावर है, और व्हील बेस है। इन वेरिएबल्स को आप जो है स्पेसिफिकली आपने चेक करना है आउटलायर्स, और इसमें से आपने देखना है कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, आउटलायर एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। ठीक है, अभी देखें इसमें कुछ आउटलायर एग्जिस्ट करते हैं हॉर्स पावर में, फिर इसी तरह से व्हील बेस में एग्जिस्ट करते हैं, और एक वेरिएबल और भी हमने लिया था इंजन साइज में भी एग्जिस्ट करते हैं।
अगर आप इन आउटलायर को डिलीट करके मॉडल रन करें तो फिर मॉडल पे क्या इम्पेक्ट आता है, आर स्क्वायर इंक्रीज होता है या नहीं होता, मॉडल की जो रेजिडुअल्स हैं उन पे क्या इम्पेक्ट आते हैं, ये आपने ट्राई करना है। मॉडल डायग्नोस्टिक आप लिखना चाहें तो इसे लिख लें, गूगल भी कर लें बेशक, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल डायग्नोस्टिक, या मॉडल डायग्नोस्टिक भी कर लें तो वो भी इनफ होगा। मॉडल डायग्नोस्टिक क्या आपने एक मॉडल का डायग्नोस्टिक करना है, स्टेटिस्टिकली एनालिसिस करना है कि ये मॉडल की जो अजम्पशंस हैं वो फुलफिल होती है नहीं, यानी आपने इकोनोमेट्रिक्स में या रिग्रेशन के मॉडल के वाले से कुछ अजम्पशंस पड़ी होंगी कि नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, एक्सिस जो फिक्स होने चाहिए, ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो अजम्पशंस आप मॉडल की जो डायग्नोस्टिक है वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि क्या SPSS आपको कुछ डायग्नोस्टिक प्रोवाइड करते हैं, अगर वो करते हैं तो इस डाटा पर जो कार सेल का डाटा था वो कितनी वैलिड है, क्या मॉडल प्रॉपरली डायग्नोज हो रहा है, मॉडल में कोई इशू है या हमें कोई और मॉडल कंडक्ट करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल लीनियर के बजाय हम कोई कर्व मॉडल लेते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने थोड़ी ट्राई करनी। कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों ने?